या समथिंग, समथिंग मीन्स क्या होगा, कुछ होगा। कुछ सोच रहे हो क्या, कुछ सोच रहे हो? जैसे हम देखो, हमने क्या बोला, कुछ सोच रहे हो। देखो इसको, ये सिंपल सेंस, कुछ सोच रहे हो, लेकिन एक कैसे भी बोलो सेंस क्वेश्चन वाला ही आता है। दिमाग लगाओ, कुछ सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो। क्वेश्चन के टोन में बोलेंगे तब तो क्वेश्चन का सेंस बिल्कुल आ ही रहा है, लेकिन आराम से बोलोगे तब भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन का ही सेंस आता है। कुछ सोच रहे हो क्या, तो इसके लिए सिंपल सा, जो भी वर्ब की बात हो उसको आईएनजी के साथ लिखना और लास्ट में लगा देना समथिंग। जैसे कुछ सोच रहे हो क्या, तो थिंकिंग समथिंग, सिंपल सा, थिंकिंग समथिंग, थिंकिंग समथिंग, इस तरह से। कुछ सोच रहे हो क्या, या कुछ सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग, कुछ सोच रहे हो क्या, कुछ कर रहे हो क्या, कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आगे आप क्या लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ कर रहे हो क्या, बोलो कुछ कर रहे हो क्या, या थोड़ा सा और, अभी कुछ कर रहे हो क्या, नहीं चलो फिर घूमने चलते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा या अभी भी लगा दोगे तो बाद में नाउ लिख देंगे। अभी कुछ कर रहे हो क्या, तो डूइंग समथिंग नाउ, ये हो जाएगा, डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग नाउ। अभी कुछ खा रहे हो क्या, अभी कुछ खा रहे हो क्या, तो डूइंग ईटिंग, सॉरी, ईटिंग समथिंग नाउ, ईटिंग समथिंग नाउ। कुछ लिख रहे हो क्या, कुछ लिख रहे हो क्या, तो क्या हो जाएगा बोलो। अभी कुछ लिख रहे हो क्या, तो राइटिंग समथिंग, राइटिंग समथिंग नाउ, राइटिंग समथिंग। ये पता है क्यों मजा आता है, राइटिंग समथिंग, थिंग थिंग थिंग, मतलब थोड़ा सा हम लोग को इसी टाइप के सेंटेंस में अच्छा लगता है ना थोड़ा सा। राइटिंग समथिंग नाउ, अभी कुछ लिख रहे हो क्या, कुछ पढ़ रहे हो क्या, अभी कुछ पढ़ रहे हो क्या, ठीक है। अगर अभी नहीं लगाना है तो सिंपल सा, कुछ पढ़ रहे हो क्या, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग समथिंग या स्टडिंग समथिंग, रीडिंग समथिंग, ये हो जाएगा आपका। कुछ कह रहे हो क्या, कुछ कह रहे हो क्या, तो क्या हो जाएगा, सेइंग समथिंग, कुछ कह रहे हो क्या, सेइंग समथिंग। अभी कुछ कह रहे हो क्या, सेइंग समथिंग नाउ। रो रहे हो क्या, क्राइंग समथिंग, नहीं रो रहे हो क्या, अब देखो समथिंग नहीं, रो रहे हो क्या, आर यू क्राइंग, वो अलग फ्लो में चला गया, आर यू क्राइंग। यहां पर भी एक्चुअली आर को गायब किया गया है, जैसे कुछ कर रहे हो क्या, आर यू राइटिंग समथिंग, लेकिन वो सब शॉर्ट में कर दिया गया, जैसे हिंदी में एक शॉर्ट में होता है, बोल रहे हो क्या, कुछ बोल रहे हो क्या, कुछ बोल रहे हो, जैसे हिंदी मैंने शॉर्ट में कर दिया, शॉर्ट में करके बोला जाता है, कुछ सोच रहे हो क्या, वैसे इंग्लिश में भी तो शॉर्ट में किया गया, कुछ सोच रहे हो क्या, या कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग, थिंकिंग समथिंग, या इसको आर यू थिंकिंग समथिंग, एक इसका एक पूरा फ्लो जो होता है वो क्या होता है, क्या तुम कुछ सोच रहे हो, लेकिन उसी को शॉर्ट में बोला गया, आर यू थिंकिंग समथिंग। आप ये भी बोल सकते हो, आर यू थिंकिंग समथिंग, आर यू राइटिंग समथिंग नाउ, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह से आपको समझ में आया। तो सिंपल ऐसे आपको, अब देखिए इस पर आपको सेंटेंस बनाना है, क्लियर है, और सेंटेंस ऐसे बनाना है जो कि डेली बेसिस वाला, डेली बेसिस वाले का मतलब समझ रहे हो, जैसे डेली बेसिस का मतलब ऐसे कुछ रहे कि मीनिंग नया नया मीनिंग रहे, ये नहीं कुछ सोच रहे हो क्या, आप सोचना कि इंग्लिश तो थिंकिंग पता है, इसे मत लिखो। जैसे मैं कहूं कुछ निगल रहे हो क्या, टॉपिक आए थे ना, कुछ निगल रहे हो क्या, तो कुछ निगल रहे हो क्या, मैंने ये बोला कुछ निगल, निगल का मतलब एक तरह क्या होता है, मतलब गटक जाना, क्लियर है, कुछ निगल रहे हो क्या, कुछ निगल रहे हो क्या, तो निगलना की इंग्लिश अब नहीं पता है, तो ऐसा लिखो को कि मीनिंग तैयार हो जाए, ठीक है। तो गॉबल होगा, है ना, गॉबल अप होता है, तो गॉबलिंग अप, गॉबलिंग अप समथिंग, है ना, गॉबलिंग अप समथिंग, कुछ निगल रहे हो क्या, निकलना हाँ ठीक है। कुछ सर कुछ लिखवा रहे हैं क्या, कुछ लिखवा रहे हैं क्या, तो लिखवाना की इंग्लिश अलग होती है, लिखवाना की इंग्लिश होती है डिक्टेट, तो डिक्टेटिंग समथिंग,
है ना, डिक्टेटिंग समथिंग इस तरह से, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, आर यू डिक्टेटिंग समथिंग, क्या आप कुछ लिखवा रहे हो? आर यू, सबके पहले आर यू भी लगा सकते हो, आर यू डिक्टेटिंग समथिंग, आर यू सेइंग समथिंग, आर यू रीडिंग समथिंग, रीडिंग है ना, आर यू राइटिंग समथिंग नाउ, आर यू डूइंग समथिंग, आर यू थिंकिंग समथिंग, इस तरह से, इसके पहले आप आर यू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका सेंटेंस एक फ्लो में जाना चाहिए, सिंपल सा, क्लियर है? कुछ वर्ड्स आपको बनाना है।